रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के सिगदहा नाला के नीचे एक अज्ञात युवक की सिर कटी लाश मिली है। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है और घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं मृतक की पहचान का भी प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा लग रहा है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत पहाड़ी बहुती मार्ग स्थित माड़ो गांव के समीप सिगदहा नाले के नीचे पानी में एक अज्ञात युवक की सिर कटी लाश पाई गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि युवक के सिर के साथ उसके हाथ का पंजा भी कटा हुआ है, साथ ही गुप्तांग में भी चोट पहुंचाई गई है। ऐसा माना जा रहा है कि युवक की हत्या करके लाश को यहां लाकर फेंका है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। प्रथम दृष्टया ये मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। फिलहाल मृतक के शव की शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं। घटनास्थल पर पुलिस मौजूद है और मृतक के सिर की तलाश के साथ ही मामले की जांच कर रही है। मृतक का सिर ना होने से उसकी शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। फिलहाल उसकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। नईगढ़ी में एक लाश मिली है, वो लाश की अभी पहचान नहीं हो पा रही है क्योंकि उसका सिर भी कटा हुआ है, एक हाथ कटा हुआ है और एफएसएल टीम के द्वारा मौके विजिट कर लिया गया है। पुलिस मौके मौजूद है, ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रथम दृष्टया कि उसकी हत्या करके किसी ने उसको वहाँ फेंका हुआ है। पुलिस अपनी तफ्तीश और पतासाजी कर रही है, अभी मृतक की पहचान भी नहीं हो पाई है। आसपास के थाना क्षेत्रों को, पड़ोसी जिलों को मैसेज कर दिया गया है और मृतक की पहचान के साथ साथ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर गुप्तांग को भी पूछा गया? हाँ, उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है देख के कि उसको गुप्तांग भी आधा क्षतिग्रस्त है। रीवा से अनुराग अग्निहोत्री की रिपोर्ट।